800 साल तुम्हारी ऐसी तैसी हुई है, एक के बाद एक आताताई ने आके तुम्हारी तबाही कर दी, तुम्हारे मंदिर तोड़ दिए, तुम्हारी नालंदा जलाई तो 3 महीने जलती रही, और वो सब तो छोड़ो, सोने की चिड़िया सारा सोना उठा के सेंट्रल एशिया पहुंचा दिया, और उसको तो भी रहने दीजिए, आपकी इज्जत भी उठा के ले गए आपकी औरतें बेचने के लिए वेश्या बाजारों में, और उसके बाद तुम शांति की बात करते हो? आर यू डेड? जो आदमी जिसकी औरत को उठा के बेचा जाए वो शांति की बात करता है? आपको लड़ने का मादा जगाना होगा, और ये जो है ये जंग, माफ कीजिए गांधीवाद का जंग, ये बहुत हो चुका, और इसके खिलाफ पहली आवाज उठी थी तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ही इज द मैन जिसने इसको बोला उठो लड़ो। गीता के पहले अध्याय में भगवान ने क्या कहा है, अर्जुन युद्ध कर, बड़ी बड़ी फिलॉसफी मत झाड़ मेरे को कि साहब अपने भाई को मारूंगा, अपने दादा को मार दूंगा, गुरु को मार दूंगा तो क्या राज्य का फायदा। उन्होंने कहा वो सब ठीक है, लेकिन अगर तू इन्हें नहीं मारेगा अर्जुन, ये तेरे को मार डालेंगे, निर्दयता से तेरी बोटी बोटी काट डालेंगे, समझ गया? अब तू उठ और तू लड़। आपके लिए भी समय आ गया है कि जो क्षात्र भाव है उसको प्लीज जगाइए, जो आपस में तोड़ने की जो आपने जुनून बना रखा है कि हम टुकड़े टुकड़े खुद करेंगे और फिर जेएनयू में चिल्लाएंगे, आप प्लीज जागिए, नहीं तो वाकई ही मैं आपके टुकड़े टुकड़े होंगे। इसलिए जरूरी है यह जानना, हु मेड अस फ्री, बोस और गांधी, क्योंकि आपका जो जो नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, पोस्ट कॉलोनियल इंडियन स्टेट है, किस किस्म की स्टेट पैदा हुई, डिपेंड्स ऑन हु गॉट यू फ्री एंड हाउ। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आपका वजूद आपका प्रेजेंट शेप कर रहा है और आपका फ्यूचर शेप करेगा, एंड अनलेस यू एक्सेप्ट द ट्रूथ, आप साहब बहुत सफर करेंगे, बहुत सफर करेंगे, और ये आपके सिर पे आ रहा है। कोई भी सरकार आ जाए, हथियार नहीं खरीदे जा सकते इस देश में, क्योंकि गांधीवाद है साहब। और साहब 10 साल से एक संत एंटनी थे, उन्होंने कोई हथियार नहीं खरीदा था, मैं ना मानू भाई, मेरे कोई धांधली नहीं होनी।